नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लाची लोग और जमाखोर पीडीएस के अनाज की अफरा तफरी में लगे हुए हैं। ऐसे एक मामला बालाघाट जिले के बरवेली थाना अंतर्गत से सामने आया है, जहां से प्रशासन के अमले ने पीडीएस का 25 क्विंटल चावल जब्त किया है। बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इन दिनों थाने द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में भरवेली पुलिस को एक ट्रक की जांच में कुछ बोरे पीडीएस का चावल दिखाई दिया, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। ठीक है, करे रोल करे भैया, हाथ थोड़ा सा पीछे कर ले। रोल सर, ये राइस मिल में छापामार कार्रवाई की गई, पीडीएस का चावल पकड़ा है सर, कितना माल पकड़ाया है और कहाँ से लाए थे इनके द्वारा? जैसा कि अभी हमको सूचना मिली है, भरवेली जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें से पीडीएस का 2-3 बोरा चावल उनको मिला राइस मिल के पास। तो राइस मिल में भी संभावना थी कि यहाँ पर ये चावल रखते होंगे, उन्होंने खुलवा कर देखा और देखने के बाद फिर मुझे कॉल करके बुलाया। तो हमने मिलकर पूरे राइस मिल की जाँच की, जाँच में पाया गया कि यहाँ पर पीडीएस का जो चावल है, अलग अलग राइस मिल की पर्चियाँ लगी हुई, वो लगभग 25 क्विंटल चावल जो पर्ची लगी हुई है वो बोरे में प्राप्त हुई है और इसे हम लोगों ने जब्त कर लिया है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। और जब्त करके इसकी दंडात्मक कार्रवाई के लिए जो फूड सप्लाई ऑफिसर हैं उनके द्वारा पृथक से कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ से लाए सर इन माल? जो भी जानकारी मिली है उनका कहना ये है कि ये चावल दूसरे मिलर से इनके द्वारा खरीदा गया है और उसकी सत्यता की भी जाँच होनी है। मुख्य रूप से ये लग रहा है कि पीडीएस का ही चावल है और ये या तो दुकानदार या परिवहनकर्ता जो है वो किसी न किसी रूप में इनको उपलब्ध कराए हैं, बाकी जांच का विषय है। अभी किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी तो चूंकि मालिक गायत्री राइस मिल है और उनके जो प्रोप्राइटर हैं वो गायत्री देवी जी हैं, उनके मतलब लड़के हितेश जी, उनसे हमने माल जब्त किया है और पूरी जो मिल है वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर आज हम इसको सील कर रहे हैं और इसके बाद पृथक से और विस्तृत जाँच भी इसकी की जाएगी। इस तरह की जो सप्लाई हो रही है और चावल अलग राइस मिल रहे हैं, उसका कारण क्या है?